हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे स्टॉक्स की जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो कल मूव दे सकते हैं। और ये वाले स्टॉक्स मैंने एक बेसिस है, एक एक जो एक लॉजिक है जिसके बेसिस पे आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। और उस स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ट्रेडिंग लैब का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं। देखिए, ये वाला चैनल है और यहाँ पे आपको देखिए हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स दिए जाते हैं इंट्राडे में जो मूव दे सकते हैं, जो कि लॉन्ग या शॉर्ट। मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग या शॉर्ट आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और उसके अंदर मूव्स जो है देख सकते हैं और अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये फ्री चैनल है, ये कोई पेड चैनल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जो है प्रॉपर जो है आपको इसके पीछे की रीजनिंग नहीं दे रहा हूं। मैं आपको जो मैंने पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं, जो मैं पैटर्न्स ऑब्जर्व करता हूं उसके बेसिस पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स देता हूं जो मूव दे सकते हैं। आपको अपनी एंट्री एग्जिट सारी चीजें अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्लान करनी है। ये आपको अपनी प्लान करनी है, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अपने टारगेट्स होते हैं, सबका अपना 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 बेसिस होता है। ये फ्री चैनल है और ये चैनल सिर्फ आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स देता है जो कि मूव दे सकते हैं इंट्राडे में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 90% की एक्यूरेसी है। देखिए, जैसे ग्रैसिम दिया गया आपको 871 पे और 884.90 तक की हाई गया, उससे पहले कॉनकॉर दिया गया, उससे पहले एसआर ट्रांसफिन 1205 पे दिया गया, 1224 तक गया। और देखिए, इससे पहले कैनफिनोम 355 पे दिया गया और ये देखिए 359 तक विद इन जो है आपके 10-15 मिनट में ही आपको दे दिया गया। तो मैं ये भी आपको बताया कि स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बहुत आसान चीज होती है, इसको हम कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज होती है अगर आप उसको आसान रखें। जितना आसान रखेंगे उतने ही ज्यादा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, जितना आप कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतना ही जो है आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। क्योंकि आप डिसीजन देखिए, एट द एंड आपको डिसीजन लेना होता है बाय या सेल का। तो जितने सिंपल रूल्स, प्राइस एक्शन बेस्ड रूल्स रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एंड्रॉयड की या फिर आईफोन की ऐप इंस्टॉल करके ये वाला जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्रीली फ्री चैनल है, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा मैं अभी, फ्री चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। इसी के साथ, अगर आपने ट्रेडिंग लैब का जो यूट्यूब चैनल अगर वो नहीं ज्वाइन किया तो आप यहाँ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि ये मेरे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल जो वीडियोस हैं आप देख सकें और वो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे मेरे पास डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे मैं देख रहा हूं कि मैंने पांच स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो जिनकी की प्रोबेबिलिटी कल जो है मूव देने की ज्यादा है। देखिए, न्यूज के बेसिस पे आप सेलेक्ट करें वो अलग चीज है। मैंने जो है इसको 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है डेली चार्ट पे उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया है। और उसके बेसिस पे मेरा क्या लॉजिक है सिलेक्ट करने का, देखिए यहां पे मैंने ग्रैसिम जो आपको आज कॉल दी गई थी, ग्रैसिम वो ग्रैसिम मैंने सिलेक्ट किया है। देखिए, ये आपकी 200 डीएमए की लाइन है और 200 डीएमए की लाइन जो है वो एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि 200 डीएमए की जो लाइन होती है वो लाइन बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है। क्योंकि मोस्ट बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े एफआईआईज हैं, बड़े बड़े डीआईआईज, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं वो 200 डीएमए की लाइन को फॉलो करते हैं। तो ये आपको आपको भी देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे जब भी ये स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर आता है तो यहां से एक जो है रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाता है, और या ऊपर से अगर नीचे आता है तो यहां पे इसके होवर अराउंड करता है और यहां से एक अप मूव आती है। तो मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं या फिर आप इंट्राडे में एक बड़ी मूव कैप्चर करना चाहते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए, यहां पे ये वाला स्टॉक अभी अभी जो है ये अपनी जो है 200 पीरियड की डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। 200 डीएमए कहाँ पे आ रही है इसके लिए देखिए, आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ खींचेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो 200 डीएमए आपकी कहीं 882 पे आ रही है और इसने जो क्लोजिंग दी है वो आपकी 884.90 पे दी है। अब आप ये देखना चाहेंगे कि इसके वॉल्यूम्स कितनी आई है। देखिए, वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे वॉल्यूम्स पिछली अगर आप 10 कैंडल्स को देखें तो उसकी एवरेज का एटलीस्ट डबल मान सकते हैं, क्योंकि पिछली 10
वॉल्यूम्स की एवरेज कर दे तो यहां कहीं आएगी आपकी, और इसका जो आज की एवरेज है वो एटलीस्ट इसका लगा लीजिए डबल, तो नहीं मैं कहूंगा डबल से थोड़ा कम है, और स्टोकेस्टिक्स आपका ओवरबॉट होने जा रहा है। और ये देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक बड़ी मूव आ चुकी है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक बड़ी मूव आपके पास यहां पे आ चुकी है। तो यहां पे ये स्टॉक ओवरबॉट भी होने जा रहा है डेली चार्ट पे, और 200 डीएमए के ऊपर, 200 डीएमए के पास भी आ गया है। क्लोजिंग थोड़ा ऊपर दे देता है, उससे इतना मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि कल इसका इंट्राडे में ट्रेंड कैसा रहता है और मार्केट कंडीशन कैसी रहती है। दो ही चीजें देखनी है, एक तो इंट्राडे में आपको फर्स्ट 15 मिनट्स में इसका क्या ट्रेंड रहता है, क्या क्या ये यहाँ पे बियरिश हरामी या जो है बियरिश एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाएगा, कंप्लीट करेगा, यहाँ एक बियरिश कैंडल देगा, क्योंकि इस देखिए स्टॉक भी ओवरबॉट हो चुका है, निफ्टी भी ओवरहीटेड हो चुका है, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा है। तो पहला टारगेट अगर आप यहाँ पे देखिए एक बियरिश कैंडल बनती है तो एक स्विंग ट्रेड बनता है आपके लिए, और स्विंग ट्रेड कहाँ तक, पहला टारगेट आप यहाँ 833 तक ले सकते हैं यहाँ तक, दूसरा टारगेट आप यहाँ कहीं देखिए 781 तक बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 800 800 या 810 के जोन में ये वाली जो सपोर्ट है यहाँ ले सकते हैं, और पहला टारगेट यहाँ और दूसरा टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक मैंने आपको सेलेक्ट करके दिया। दूसरा स्टॉक है दोस्तों कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया जो है ये इसने 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, और बहुत हाई बियरिश कैंडल से क्लोजिंग दी है, बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल है, जिसका कि क्लोजिंग जो है वो अपने लो के ही पास है, और जिसका ओपन जो अगर आप देखेंगे ओपन जो है वो हाई के ही बराबर है, और यहाँ पे ये साइडवेज भी काफी टाइम से चल रहा था, और स्टॉक में देखिए स्टोकास्टिक में भी क्रॉसओवर आ गया है, और ये ओवरबॉट टेरिटरी के कहीं पास ही है 76 के आसपास। तो ये स्टॉक भी आप जो है इंट्राडे में देख सकते हैं कि ये क्या यहाँ पे एक और बियरिश कैंडल बन सकती है, तो आपका टारगेट इंट्राडे में 709 हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 709 का टारगेट ले सकते हैं कि इस सपोर्ट जोन तक एक बियरिश कैंडल और बनती है। देखने वाली बात ये रहेगी कि निफ्टी कैसा बिहेव करता है, अगर निफ्टी बुलिश होता है तो वो इन सब स्टॉक्स को खींच के ले जाता है, फिर जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। आपको सारे फैक्टर्स कंबाइन करने हैं कि बेरिश कैंडल भी बनी है, ठीक है, दूसरी चीज कल मार्केट कंडीशन कैसी रहती है, तीसरी चीज यहां ये स्टॉक ओवरबॉट होने के बाद जो है 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है क्या, ये चीज देखनी है। तीसरा स्टॉक दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया है। इंजीनियर्स इंडिया ने भी क्लोजिंग दी है। इंजीनियर्स इंडिया में देखिए कल जो है एक जो है इन्वर्टेड हैमर बना था ऊपर, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे ही दिया 200 डीएमए के। देखिए ये स्टॉक भी देखिए काफी टाइम से अपनी 200 डीएमए के नीचे ही चल रहा है, और जब भी ये 200 डीएमए के आसपास कहीं आता है, देखिए यहाँ आया, यहाँ से फिर नीचे को एक पुश मिलता है स्टॉक को, और ये काफी टाइम से देखिए फिर वापस यहाँ पे कहीं पे आया था 200 डीएमए के पास, फिर से इसने देखिए यहाँ पे ये डार्क क्लाउड जैसा एक पैटर्न होता है वो बनाया, नाम में कुछ नहीं रखा दोस्तों, सारा कुछ जो होता है वो एक साइकोलॉजी का होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कल क्या होता है कि कल आपको यहाँ पे बियरिश कैंडल देखने को मिल सकती है, और इसके चांसेस जो है मेरे हिसाब से 60-70% है। तो एक इंडियन बैंक मैंने सिलेक्ट किया है। इंडियन बैंक भी देखिए काफी टाइम से जो है ना ये बैंकिंग के स्टॉक्स दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेयरिश टोन में बिहेव कर रहे हैं। बैंक पीएसयू बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा है, क्योंकि इनके एनपीएस नेट जो होते हैं वो काफी ज्यादा हो गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बैड लोन्स इसके बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा चौपी है, साइडवेज है, तो यहाँ पे भी देखिए, और स्टोकास्टिक अगर आप देखें तो 50 के आसपास है। तो ये एक स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए कल के लिए, कि यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ पे एक बेयरिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मिलती है तो इसका टारगेट दोस्तों इंट्राडे में ही 254 और 255 के आसपास यहाँ पे कहीं रहेगा, इस सपोर्ट जोन के आसपास। लास्ट जो स्टॉक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है दोस्तों वो गेल है। गेल जो है वो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दी है 200 डीएमए के ही नीचे, और अगर ये इंट्राडे में कल निफ्टी जो है बियरिश, देखिए आपके पास बुलिश वाले भी स्टॉक्स होने चाहिए। बुलिश में मैंने ग्रासिम दिया है आपको, बियरिश में मैंने आपको दिए हैं ये वाले स्टॉक्स। तो यहाँ पे निफ्टी कैसा बिहेव करता है, निफ्टी अगर बुलिश बिहेव करता है तो आप बुलिश वाले स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक रीजन है कि 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग है या 200 डीएमए के नीचे। अब देखिए 200 डीएमए के यहाँ नीचे क्लोजिंग है गेल की, और
देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आप देखें, और स्टोकास्टिक भी नहीं है, तो कल ये आपकी वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए 200 डीएमए के अराउंड ही बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, जो इंट्राडे में बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं वो बड़ी बड़ी कैंडल्स यही है। तो ये मैंने दोस्तों आपको एक 200 डीएमए के अकॉर्डिंग जो कल स्टॉक्स जो है हाई प्रोबेबिलिटी की मूवमेंट दे सकते हैं वो मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ट्रेडिंग लैब का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप, ये फ्रीली अवेलेबल चैनल है, आपकी लर्निंग के लिए है, आपकी एजुकेशन के लिए, आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स मिलते हैं जिनमें कि एक अच्छे पैटर्न कंटिन्यूएशन के या रिवर्सल के फॉर्म होते हैं, वो मैं आपसे इंट्राडे में शेयर करता हूँ दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।